एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का रिवीजन चल रहा है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास में जो इक्वेशन दी गई है वो किस कर्व की है। वो कर्व अपने आप में पैराबोला है या फिर लाइन है या फिर अपने आप में इलिप्स है, ये पहचानना पड़ेगा कि वो कर्व अपने आप में क्या है, और तब जाकर के आप ये बता पाएंगे कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एक तो ये इसके स्टेप तीन है इस प्रॉब्लम के। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कौन से कर्व की इक्वेशन है, वो लाइन है, एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है। ये आपने पहचान चलो कर भी ली कि ये पैराबोला है, उसके बाद में ये पैराबोला ड्रॉ कैसे होगा ग्राफ के ऊपर। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि हम उस कर्व को पहचानने के बाद कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है कि यहां पे कॉमन एरिया कौन सा है जो हमें निकालना है। उसके बाद पॉइंट ये आता है कि वहां पे स्ट्रिप आप डालेंगे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। क्लियर? चलिए, आपने स्ट्रिप डाल दी। उसके बाद में आता है लास्ट कंसेप्ट, उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में चार पांच स्टेप होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जब आप स्ट्रिप डालें, स्ट्रिप डालने के हमारे पास में दो मेथड हैं, इधर हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वर्टिकल मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सुनो ध्यान से, जब आप डालेंगे स्ट्रिप को वर्टिकल इस तरह से, मान लो मेरे पास एक सर्कल है और हमें इस सर्कल के निकालना है एरिया। ये सर्कल का जो एरिया है ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मींस अबाउट बोथ एक्सिस। जितना एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना उसके नीचे है, जितना वाई के लेफ्ट में उतना वाई के राइट में। तो हम यहां पर सिर्फ निकालेंगे एक क्वाड्रेंट का एरिया, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, तो आ जाएगा कंप्लीट सर्कल का एरिया। अब ये एरिया लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे। तो यहां आपकी चॉइस है कि इस स्ट्रिप आप ये तो डालिए वर्टिकल या फिर डालिए आप हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिप आप डालेंगे वर्टिकल तो जो ये यहां से यहां तक जो ये अपने आप में लेंथ बनी है, क्योंकि ये पैरेलल है वाई के, तो इसको तो हम वाई मान लेंगे। और उसके बाद में जो ये ब्रेथ है इसको हम, क्योंकि बहुत छोटी है स्ट्रिप, बहुत पतली स्ट्रिप है ये, तो मैंने इसलिए बनाई थोड़ी मोटी जिससे आपको थोड़ी नजर आ जाए, दिख जाए आपको इसलिए। अब जो ये स्ट्रिप विड्थ है बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। तो जैसा कि आप मानते हैं फिजिक्स में डेल्टा एक्स, तो इसको हम मान लेते हैं डीएक्स। उसके बाद में इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ वाई ब्रेथ डीएक्स। तो ये एरिया मूव करेगा अब एक्स एक्सिस पे जीरो से लेकर के और यहां तक। तो इस स्ट्रिप के होते हैं दो एंड, एक एंड हमेशा एक्सिस पे खिसकता है, मूव करता है, वहां से मिलती है आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जिसको टच करता है वहां से निकालते हैं आप वाई और एक्स की वैल्यू। वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहां पे जीरो है और ये मेरे पास में जो रेडियस है इस सर्कल के लिए मान लीजिए थ्री है, तो ये पॉइंट हुआ फिर थ्री कॉमा जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और आप जानते हैं एक्स पे वाई जीरो होता है, इसलिए। अब ये स्ट्रिप का एरिया मूव कर रहा है जीरो से लेकर के थ्री पे, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो ये लिमिट हो गई फिर एक्स एक्सिस की, मींस एक्स की। अब रूल के हिसाब से यदि आप डीएक्स लेके चल रहे हो तो फंक्शन एक्स होना चाहिए, जो कि नहीं है, वाई है। तो वाई को हम कैसे लेकर के आएंगे फिर एक्स में? तो इसीलिए जो दूसरा एंड है ये आपकी हेल्प करेगा। ये एंड जिस कर्व को टच कर रहा है, ये कर्व अपने आप में सर्कल है और किस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे निकाला सेंटर, कैसे निकाली रेडियस, तो उसके लिए हमने इसको ऐसे लिखा कि x माइनस जीरो की पावर 2 प्लस y माइनस जीरो की पावर 2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने इसकी कंपेयर की x माइनस x1 टू दी पावर 2 प्लस y माइनस y1 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू r स्क्वायर, जिसको पढ़ा था आपने क्लास 11th में, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां से x1 y1 जो होते हैं सर्कल के सेंटर, वो आ गए 0 0 और r आ गई 3, सर्कल बन गया। ठीक है, उसके बाद में अब स्ट्रिप मूव कर रही है 0 से लेकर के 3 पे x एक्सिस पे, तो वो लिमिट मिल गई। स्ट्रिप का एरिया हो गया y dx, और रही बात y की, तो y को निकालेंगे आप कर्ण की इक्वेशन से, और वहां से y कितना आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और अब कर पाएंगे आप इसको डिफरेंशिएट। मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि मुझे निकालना है सर्कल का कंप्लीट एरिया, तो इस एरिया को निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया, इट हैव 4 क्वाड्रेंट। क्लियर। अब इसको जब करेंगे इंटीग्रेट तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कैसे, इस 9 को लिख देंगे हम स्क्वायर ऑफ 3, और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यदि कहीं मिल जाए, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स अपॉन ए अब जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इस साल भी चलेगा, वरना गाड़ी की स्पीड ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जरूरी होता है इस चैप्टर से पहले इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ही याद है, बस फर्क इतना है कि यहां ए है यहां 3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें रख देंगे फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पहले रखेंगे अपर वैल्यू जहां जहां एक्स देख रहे हो, फिर बीच में आएगा माइनस, माइनस के बाद रखेंगे फिर लोअर वैल्यू 0 एक्स के प्लेस पे, तब जाकर के आंसर आएगा। अब सुनो, मान लो बाय द वे किसी बच्चे ने स्ट्रिप ऐसे ना डाल करके डाल दी ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो तब क्या होगा, जरा वो भी देख लो, क्योंकि स्ट्रिप डाली गई है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इसकी लेंथ तो बन गई x, और ये ब्रैक इसकी इस बार आ गई y एक्सिस पे, बहुत छोटी है तो बन जाएगी dy, तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा 4 इंटू अब सुनो स्ट्रिप कहां से कहां तक जाएगी, इसका एक एंड तो ये है, दूसरा एंड वो है, ये एंड मूव करेगा इस y एक्सिस पे 0 से लेकर के 3 तक, तो हम लिखेंगे कि y इक्वल्स टू 0 से 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में स्ट्रिप का एरिया वो कितना बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मींस x dy, और कर्व टच कौन सा होगा, सर्कल दूसरे एंड से स्ट्रिप के दूसरे एंड से टच होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहां से आप निकाल करके एक्स की वैल्यू जो कर्व टच होता है उसको हम नीचे यहां पे लिख देते हैं, जिससे कि हम एक्स वाई को यहां से इजीली निकाल करके यहां पे रख सके। तो यहां से एक्स निकाली यहां पर रखिए, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि डी वाई है, डी वाई के लिए फंक्शन होना चाहिए फिर वाई में, तो ये आ जाएगा एक प्लस टू 4 वाई प्लस टू 0 से 3 तक, यहां से निकालिए x की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी वाई। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, जैसे कि फॉर्मूला ये है, बस इतना डिफरेंस है कि यहां पे x वेरिएबल है वहां पर y वेरिएबल है, तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा y अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन a, इस तरह से। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं।
बताइए जरा। जैसे कि देखो आपके यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो एग्जांपल है वो जरूरी है। एग्जांपल नंबर वन, ये तो आपको मैंने करा दिया अभी इस वक्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बस यहाँ पे ए है, मैंने उसको जो है थ्री लिया है। उसके बाद एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू पेज नंबर 362, और वहां पे वो कह रहे हैं कि इलिप्स है। इलिप्स की क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, जो कि आप जानते हैं क्योंकि ये होती है इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हुआ क्या है, इस इलिप्स की इक्वेशन में सबसे पहले तो यहां पे आप ये देखें कि इलिप्स कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये इलिप्स अपने आप में बनाया गया है हॉरिजॉन्टल। आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया, वर्टिकल बन सकता था। जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि वहां पे ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे। यदि वो कह देंगे कि बी लार्जर है ए से तो बना देंगे वर्टिकल, और यदि कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर बनाएंगे हम उसको हॉरिजॉन्टल ही। इलिप्स बन गया हॉरिजॉन्टल, माइनर एक्सिस बन गया वाई एक्सिस, मेजर बन गया एक्स एक्सिस, उसके बाद में डाली गई स्ट्रिप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इलिप्स सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने इसमें जो जो स्ट्रिप है वो एक बार डाली है वर्टिकल, एक बार डाली है हॉरिजॉन्टल। जब डाली है उसको स्टार्टिंग में वर्टिकल, तो वो मूव करेगी 0 से लेकर के ए तक और टच करते हुए जाएगी इस इलिप्स को। तो लिखा गया है 4 टाइम ऑफ 0 टू ए बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू को निकाला गया है इलिप्स की इक्वेशन से। तो जब इलिप्स की इक्वेशन से सोल्व करके आप y को निकालेंगे तो वो b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, b अपॉन a कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लिया, तो बन गया 4b अपॉन a। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इन्होंने लिखा है x अपॉन 2 अंडर रूट दिस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। उसके बाद एक बार x के प्लेस पे रखा गया अपर वैल्यू a को, फिर बीच में आया माइनस, फिर रखा लोअर वैल्यू हमने 0 को। तो जब लोअर वैल्यू 0 को आप पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए बाद में लिखा हुआ है माइनस 0। देखिए आप सेकेंड लास्ट लाइन में बाद में लिखा है माइनस 0। ये 0 तब आया जब हमने लोअर वैल्यू 0 को पुट किया एक्स के प्लेस पे, उसके बाद आंसर आ गया पाई ए बी। क्लियर? चलिए फिर इन्होंने इसको ऐसा तो किया ही किया, साथ में अब इन्होंने इसको दिखाया सेकंड मेथड से भी। कैसे? इन्होंने स्ट्रिप को डाल दिया हॉरिजॉन्टल। जब स्ट्रिप को डाल दिया हॉरिजॉन्टल तो फर्क पड़ जाएगा अब एक तो लिमिट में, पहले लिमिट जा रही थी एक्स में, अब लिमिट जाएंगी वाई में। वाई बराबर 0 से लेकर के ए तक ये जाएंगी उसकी, सॉरी 0 से लेकर बी तक ये जाएंगी अब उसकी लिमिट, और स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा अब एक्स डी वाई। रही बात एक्स की, इस एक्स को निकालेंगे आप इलिप्स की इक्वेशन से, निकाल के रखेंगे और रखने के बाद आप उसको जाकर कर देंगे इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आओ 8.2.1, इसमें क्या हुआ, इसमें लिया गया साथ में दो कर्व को। दो कर्व क्यों लिए हैं? देखो सर्कल हो या इलिप्स हो उसमें क्या होता है, एरिया होता है बाउंड, एरिया बाउंड होगा तब तो निकाल तो और एरिया अपने आप में हो गया अनबाउंड। आपसे कहीं की बताओ ये खुला आसमान है, इसके लिए कहां से कहां तक निकालना है कुछ पता ही नहीं है, नहीं निकाल पाओगे। तो एरिया होता क्या है, जो अपने यहाँ में बाउंड हो वही तो एरिया होता है, उसी को आप निकाल पाओगे। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें एग्जाम्पल करके आपको दिया है पैराबोला। अब पैराबोला जब बनेगा तो वहां पे एरिया बाउंड होता नहीं है, उसके दोनों आर्म क्या होती है वो फैलती रहती है ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने एरिया बाउंड करने के लिए साथ में लिए एक लाइन y बस टू 4, ये जान बुझ के ली गई है जिससे कि एरिया बाउंड हो सके। तो हमें कर्व दिया y बराबर एक्स स्क्वायर,
और y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। और कौन सी तरह का पैराबोला है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का पैराबोला है, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा ऊपर की तरफ और ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, जितना y के लेफ्ट में उतना ही y के राइट में। उसके बाद लाइन को ड्रॉ किया गया y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 वो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, y इक्वल्स टू 4 में x नहीं है, इसलिए x के पैरेलल है। यदि x बराबर 4 होता तो पैरेलल होती फिर वो y एक्सिस के। तो y एक्सिस पे चार डिस्टेंस चल करके उसको x के पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया y इक्वल्स टू 4 को। उसके बाद हमें निकालना है वो एरिया जो लाइन और पैराबोला के बीच में बाउंड है। तो लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया बाउंड है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम दोनों को नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, उसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा जो पैराबोला और लाइन के बीच में है। अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू, ये ब्लू हो रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया, ध्यान से देखो, इस एरिया का टचिंग एक्स एक्सिस पे तो नहीं है, ये कंप्लीटली लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इसलिए स्टिक को डाल दिया गया हॉरिजॉन्टल। यदि ये एरिया टच करता केवल एक्स एक्सिस को तो मैं डालता फिर स्ट्रिप को वर्टिकल, तो अब डाल दिया गया स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिप मूव करेगी वाई एक्सिस पे 0 से लेकर के 4 तक और टच करते हुए जाएगी, उसका दूसरा एंड टच करेगा इस पैराबोला को, ठीक है। इस स्ट्रिप के दोनों एंड यूजफुल होते हैं, एक एंड किसी ना किसी एक्सिस पे मूव करेगा तो वहां से लिमिट मिल जाएगी, दूसरा एंड कर वो टच करेगा तो वहां से हम वाई या फिर एक्स निकाल कर रख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया इसका आंसर कि 2 टाइम ऑफ 0 से 4 एक्स डीवाई। अब एक्स डीवाई में x को हटाओ, इन टर्म्स ऑफ y लेकर के आओ, तो वो लेकर के आएंगे फिर हम कर्व से ही। कर्व क्या है जिसको टच कर रही है? वो है x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो यहां से निकाली x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y। तो बाद में देखो उसको, नीचे लास्ट लाइन देखो, 2 टाइम 0 से 4 अंडर रूट y dy। अब जो अंडर रूट y है उसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट, कैसे कि y के पावर हाफ में 1 इंक्रीज करो, उसके फिर डिनोमिनेटर में लिखो 1/2 प्लस 1, ठीक है, और फिर रख दीजिए आप अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद आओ एग्जांपल नंबर 4, जो अपॉन में है ना 3/2, वो बाहर ले लीजिए। वन के अपॉन में 3/2 होगा वो 2/3 का होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा। अब देखो फटाफट एग्जाम्पल नंबर फोर थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट आएगा। वो कंसेप्ट क्या है देखो ध्यान से, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि एरिया निकालो किस किस के बीच में। एक तो लाइन है y इक्वल्स टू x और एक सर्कल है, सर्कल कौन सा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो पहले तो ये मालूम कर लो कि सर्कल का सेंटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 टू दी होल पावर 2 इक्वल्स टू। अब 32 किसका स्क्वायर होता है वो सोच लो, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 32? अरे ऐसे लिख लो अंडर रूट 32 का स्क्वायर करोगे तो यही मिल जाएगा। अब ये क्या होता है 4 into 2 होता है, तो 4 यहां से 12 आ गया, ठीक है, तो यहां पे लिख लो 4√2 का स्क्वायर। अब इसकी कंपेयर कर दो आप इससे, x माइनस x1 to the power 2 प्लस y माइनस y1 to the power 2 प्लस 2 आर स्क्वायर। तो यहां से सेंटर जो होते हैं x1 y1 वो आ गए 0 0 एंड रेडियस वो आ गई 4√2। कोई प्रॉब्लम? लेकिन मान लो बाय द वे रजत,
हमें सर्कल की इक्वेशन ऐसे ना दे करके ऐसे दे दी जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ट्वाइस एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन प्लस टू जीरो, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन वन है, बीच में प्लस है, इसलिए सर्कल की इक्वेशन है। अब वहां से कैसे निकालोगे सेंटर और रेडियस, पढ़ा था हमने क्लास इलेवन। इस केस में क्या करोगे, यदि इक्वेशन ऐसे ना दे करके ऐसे दे दी जाए तो उसकी कंपेयर करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी वस्तु जीरो से। यहां से निकालोगे जी और एफ की वैल्यू, जी यहां से आ जाएगा टू जी प्लस टू टू, तो जी मेरे पास आ जाएगा वन, ट्वाइस एफ मेरे पास में है फोर, तो एफ आ गया टू, जी और एफ मिल गई। उसके बाद सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस वन माइनस एफ माइनस टू, तो सेंटर तो हो गया माइनस वन माइनस टू। रही बात रेडियस की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर वो मेरे पास में आ गया स्क्वायर ऑफ वन, एफ स्क्वायर वो मेरे पास में आ गया स्क्वायर ऑफ टू माइनस सी, सी मेरे पास में क्या है माइनस वन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो रेडियस आ गई फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स अंडर रूट सिक्स, ठीक। तो इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हो जब सर्कल की इक्वेशन उस फॉर्म में ना देकर के इस फॉर्म में दे दी। ये पढ़ा था आपने क्लास इलेवेंथ में, तो मैंने बोला भी था उस वक्त कि इनको हम क्लास ट्वेल्थ में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए खैर, अभी तो हमें सिंपल इक्वेशन दी थी तो मैंने उससे सेंटर निकाल लिया और आर निकाल लिया। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर, इन्होंने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया, सेंटर जीरो जीरो है, अपने बुक में देख लो इसका आंसर, इसकी फिगर बनी हुई है। और इसकी जो रेडियस है कहां से कहां तक, ओ से लेकर के ए तक, ये हो गई फोर अंडर रूट टू, इसलिए हमने ए पे लिख भी दिया है फोर अंडर रूट टू कॉमा जीरो, क्लियर है। अब क्या बचा, अब बचा लाइन को ड्रॉ करना, कौन सी लाइन वाई प्लस टू एक्स। अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे आप वाई प्लस टू एक्स को, ये समस्या है। अब सुनो y प्लस टू एक्स, आपको याद होगा अब मैंने दो बातें बता रखी हैं, एक तो जब किसी भी कर्व के अंदर कोई कांस्टेंट पार्ट ना हो तो पास होता है हमेशा ओरिजिन से, यहां पे कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो ये पास होगा ओरिजिन से, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये लाइन ऐसे जाएगी इतना झुकी हुई या फिर ऐसे जाएगी वो सुनने में आ रहा, तो क्यों ना हम इसकी कंपेयर करते हैं वाई प्लस टू एम एक्स से। ये पढ़ी थी आपने, इसको बोलते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लास इलेवेंथ में था, चैप्टर था लाइन स्ट्रेट लाइन। तो यहां से m आ गया वन, c आ गया जीरो, m आ गया वन, m क्या होता है स्लोप, और m को लिखते हैं हम tan थीटा, और tan में वन होता है 45, तो थीटा आ गया 45, यानी कि वो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल मिडिल में से पास हो जाएगी। और यदि आप ऐसे भी नहीं कर पाए तो भाई फिर एक काम कर लेना, टेबल बना लेना, एक्स को रखो वन, वाई भी वन, एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, जब क्लास नाइन्थ में करते थे वो नाइन्थ फ्लोर टेबल, ठीक है। ऐसे हमारा प्रपोजल लाइन को ड्रॉ करना, चॉइस आपकी है, ऐसे करोगे तो शाम हो जाएगी, ऐसे करोगे तो काम सुबह भी हो जाएगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा बस, और दो घंटे भी एग्जाम में तीन घंटे मिलते हैं, अब उन तीन घंटों को आप कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए, तो भाई इस तरह से
पहले हमारे पास बन गया सर्कल, ठीक है। अब सर्कल बनने के बाद लाइन चल रही है, ठीक है। अब हमें निकालना है मेहुल ये एरिया। अब इस एरिया की एक समस्या है, शायद आपको दिख रही होगी, दिख रही है मेहुल, क्या समस्या है? ये एरिया कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। स्ट्रिप डालेंगे हम वर्टिकल, लेकिन कुछ देर बाद फिर तूफान आने वाला है। कैसे? ये स्ट्रिप अभी टच कर रही है इस लाइन को, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे से आगे बढ़ेगी समय के साथ साथ, तो ये स्ट्रिप यहां तक टच करेगी इस लाइन को, लेकिन उसके बाद में टचिंग कर्व चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि यहां के बाद अब आ गया ये सर्कल, तो जहां पे स्ट्रिप अपना टचिंग कर्व चेंज कर दे, हम तुरंत तभी उस एरिया को दो पार्ट में कर देंगे डिवाइड। हम यहां से यहां तक ये निकालेंगे एरिया अलग, प्लस फिर निकालेंगे ये एरिया, तो हम नेमिंग कर देंगे ओ ए बी सी। ओ ए बी अलग निकलेगा, ए बी सी अलग निकालेंगे, क्योंकि यहां पे फर्क पड़ गया टचिंग कर्व का। क्लियर है आपके पास? अब समस्या क्या है हमारे सामने दिव्यांश? समस्या ये है कि स्ट्रिप डालते स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स वाई डी एक्स। जब निकालेंगे ये एरिया तो जाएगी स्ट्रिप जीरो से लेकर के ए तक, और जब निकालेंगे ये एरिया तो स्ट्रिप जाएगी ए से लेकर के फोर रूट टू तक, क्योंकि सी तो पता है फोर रूट टू है। अब समस्या क्या है कि ए नहीं पता कि ये ए क्या है, ए टू है, 1.5 है, 1.3 है, नहीं मालूम, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ए से ऊपर बी है, तो जितना इस बी पॉइंट में एक्स पार्ट होगा उतना ही उसके नीचे ए में एक्स पार्ट होगा। सुनना कुछ, मान लो बी मुझे मिलता है 3.5, तो हम ऐसे चले 3, ऐसे हम चले 5, तो तभी तो बना बी 3.5। तो मैं क्या करूंगा, इस बी पॉइंट को निकालूंगा, वो भी कैसे, सिर्फ एक्स के लिए न कि वाई के लिए, मुझे वाई से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए। लेकिन बी क्या है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, ये सर्कल क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42, लाइन क्या दी है वाई प्लस 2x, तो मैं यहां रख दूंगा एक्स, तो बनेगा एक्स स्क्वायर 32, ठीक है। तो क्या आ गया 2x² + 32, तो कितना आ जाएगा 32। अच्छा, तो यह आ गया मेरे पास में 16, एक्स क्या आ गया 4 आ गया, एक्स आ गया 4, मैंने मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मैंने निगेटिव यहां से नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव ले लिया। इसका मतलब रजत इस बी पॉइंट में एक्स पार्ट कितना है 4, तो फिर जो ये ए देख रहे हो यहां पे एक्स 4 है। तो जब यहां पे एक्स 4 हुआ तो हम जाएंगे 0 से लेकर के 4 तक, और फिर जाएंगे 4 से लेकर के 4 रूट 2 तक बस। अब देख लो आप क्वेश्चन, आओ यार क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, इन्होंने ये तो किया है, देखो इन्होंने 1 और 2 बनाई इक्वेशन, उसके बाद लिखा है नाउ द एरिया ऑफ रीजन ओ बी एम ओ। ध्यान से देखो फिगर में ओ बी एम ओ कहां है, ठीक है, और वो हो गया 0 से लेके 4 तक वाई डी एक्स, वाई को रख दिया कहां से, क्योंकि इस वक्त वाई क्या है
वाई मिलेगा उस लाइन से, क्योंकि टच तो वो लाइन ही हो रही है, और लाइन क्या है वाई बराबर एक्स, तो वाई को रख दिया एक्स, क्या बन गया एक्स डी एक्स, फिर करा उसका इंटीग्रेशन, आंसर आ गया 8 लिमिट रखने के बाद। उसके बाद चलो अगले पेज पे, इन्होंने फिर निकाला है अगले पेज पे सेपरेट एरिया बी एम ए बी, कैसे 4 से 4 रूट 2 तक, और टच कौन होगा इस बार सर्कल, तो सर्कल से निकाली वाई की वैल्यू, वो कितनी आई अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है, और फिर रख दी उन्होंने अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, आंसर कितना आया 4 बाय माइनस 8। तो उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, उसका एरिया आया था शुरू में 8, इसका आया 4 पाई माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा, सो आंसर कितना आया 4 पाई, बस ठीक है। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन ये है।